यामाहा का गाड़ी खरीदने से पहले आप लोग सोच लीजिएगा कि सर्विस सेंटर आपको सही प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब कि आपको सर्विसिंग, क्योंकि हम मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों का भी शिकायत सुने हैं कि यामाहा का सर्विस में कोई कॉपरेट नहीं करता है। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में सुना कि कुछ खटखट आवाज़ कर रहा था, तो मेरे बाइक का टोटल 1.5 साल हो चुका है और आज 1.5 साल के बाद, मेरा मतलब साल भर के बाद इसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आई, जो कि इस बाइक से हमको अभी इरिटेशन होने लगा। दिखने में जितना खूबसूरत उतना ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ चुका है। खूबसूरत शुरू से है लेकिन प्रॉब्लम अब नया पे आ चुका है। तो जो भी भाई R15 लेने वाले हैं या फिर रखे हैं, अगर उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आएगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए वीडियो को ज़रूर सेव कर लें ताकि आपको फ्यूचर में काम दे। तो गाइस, जब हम इस बाइक को चला रहे हैं हाई स्पीड में, तो जो मेरा फर्स्ट गियर है, अगर हम फर्स्ट गियर शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बाइक जो है अभी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में, तो यहाँ पर हमारा बाइक अभी न्यूट्रल में है और इसको हम फर्स्ट गियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो होगा नहीं जल्दी। ठीक, पहला नंबर तो गियर जल्दी शिफ्ट नहीं हो रहा है। फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर और थर्ड गियर, तीन को जो गियर है इसका, शुरू का 3 गियर, उसमें ये बाइक बहुत ही ज़्यादा तेज़, अगर गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो स्मूथ शिफ्ट नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाउड आवाज़ कर रहा है, खटाक से आवाज़ कर रहा है। और गियर डाउन करने पे एक आवाज़ खटाक से तो कर ही रहा है, उसके बाद खटाक फिर दोबारा एक बार लड़ रहा है खटाक, जैसे कि क्लिप आप लोगों ने शुरू में सुना है, उसको हम फिर से अटैच कर देंगे, आप देख लीजिएगा, तो उस टाइप से आवाज़ कर रहा है। तो इस चीज़ से हम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं। जो गियर शिफ्टिंग है स्मूथ नहीं रह गया है पहले की तरह एकदम, नए नए में पता ही नहीं चलता था कब गियर शिफ्ट हुआ, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अगर किसी भाई को अगर पता है इसके बारे में तो ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलते हैं, जो इसका फ्री प्ले है, हमको ऐसा लगता है, देखिए इतना तो फ्री प्ले रहता ही है, इतना फ्री प्ले तो गियर शिफ्टर में रहता ही है, क्योंकि ये मेरा पूरा सेट जो है नया है, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो हम चेंज करवाए थे। जब हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरा बाइक जो है हल्का सा झटका मार रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये इतना हिल रहा है ना, ये इतना जो हिल रहा है इसके वजह से हल्का सा झटका मार रहा है, उसके बाद गाड़ी आगे उठ रहा है। तो ऐसे हमको लग रहा है कि इसके आगे वाला जो गियर वाला जो रॉड होता है बड़ा वाला, उसमें प्ले आ गया। ऐसा बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि प्ले आ गया, जिसकी वजह से मतलब गाड़ी जो है, जैसे इनिशियली पहले पंच देता था, जैसे फर्स्ट गियर में हम इसको खींचते थे तो बहुत ज़्यादा तेज़ झटका देके उठता था 7,500 RPM के बाद फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर में, लेकिन अब वो चीज़ फील नहीं हो रहा, थोड़ा डीले उठ रहा है, जिसकी वजह से जो पहला जो आपको दिखाएं, ये जैसे कि हम बाइक अगर उठा रहे हैं फर्स्ट गियर में तो नहीं ज़्यादा करता, लेकिन सेकेंड गियर में करता है। तो हम बाइक ऐसे चालू किए और उठाने के लिए सोच रहे हैं कि अब गाड़ी को आगे उठाना है, तो एक बार आके ऐसे टकरा रहा है, फिर जाके गाड़ी उठ रहा है, जैसे झटका टाइप में, मतलब यही टाइप में झटका टाइप में आ रहा है। पता ना क्यों इस बाइक के साथ ये प्रॉब्लम, इधर से मेरा सर्विस के बाद, सिक्स सर्विस हुआ उसके बाद से आ गया, सर्विस सेंटर से ही प्रॉब्लम पड़ा है ये चीज़ का। और आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बाइक चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि मतलब क्या हो गया मेरे बाइक में, कुछ होता है तो हमको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगता है। तो भाई लोग, आप लोग R15 खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ के खरीदिएगा, क्योंकि ये चीज़ प्रॉब्लम हमको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है, और प्लस में और भी सारी प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया, बाइक तो एकदम हम कंडीशन में रखते हैं, आप देख सकते हैं अभी बाइक हमारा चमक रहा है ब्लैक कलर का, मतलब कि कलर के अकॉर्डिंग जैसा रहता है, एकदम मेंटेनेंस में, आज तक हम इसको शैम्पू से वॉश तक नहीं किया, समझ सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा मेंटेन रखते हैं अपने बाइक को। लेकिन उसके साथ मेरा प्रॉब्लम एक ये आया कि मेरा मतलब बाइक में एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था पहले, उससे पहले ही मेरा एक बार शॉकर लीक हो गया था, तो हम सर्विस सेंटर में गए थे बनवाने शॉकर, तो शॉकर तो बना दिया वो लोग, शॉकर ठीक से बनाने नहीं आया। अब मेरा क्या हो गया कि एक साइड का शॉकर तो वो लोग बना दिया ये वाला, लेकिन मेरा ये वाला भी खोला था कि इसमें मतलब चेक किया वो लोग कि इस वाला शॉकर में इस मतलब कैसे दोनों का वो क्या बोलते हैं अंदर का सेटअप है कि दोनों किस तरह से बनाया गया, क्योंकि वो लोग को जानकारी ही नहीं था, तो लोग सोचा कि इसको भी खोल के देख लेते हैं इसमें कैसे लगाया हुआ है सब स्प्रिंग उस्प्रिंग कैसे कैसे सेटअप है, उस हिसाब से वो लोग सेटअप किया। तो मेरा ये शॉकर वो लोग खोल दिया था, जिसके वजह से आज के डेट में मेरा जब भी बाइक चलाते हैं तो मेरा राइट साइड से ऐसा लगता है कि मेरा आवाज़ कर रहा है हैंडल में, खट खट, हैंडल में नहीं करता है, आवाज़ करता है शॉकर में ही, मतलब जब जब गचकी में जाएगा ना तो खटाक से मारेगा, जैसे लगेगा कि दब रहा है कुछ, लड़ रहा है नीचे जाकर, शॉकर का स्टॉपर जो है वो लास्ट स्टॉपर होता है उस पर जाकर लड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन बता रहे हैं हम आपको कैसे, जैसे हम हाई स्पीडिंग चलाते हैं, अगर कॉर्नरिंग करते हैं और हम लेफ्ट साइड काट लिए, लेफ्ट साइड में कॉर्नरिंग आराम से कर लिए, ठीक, इसको लेफ्ट साइड में हम कॉर्नरिंग ऐसे कर लिए, ठीक, लेकिन जब हम राइट साइड में अगर करते हैं और ये ज़्यादा इसका जो शॉकर स्मूथ हो गया होगा अगर, और ज़्यादा लीन हो गया तो एक साइड का ज़्यादा हार्ड हो जाएगा सब, एक साइड का ज़्यादा सॉफ्ट, तो डिसबैलेंस हो गया, बाइक स्किड करके गिर सकता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है, अगर आपके हैंडल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, और मेरे हैंडल में भी प्रॉब्लम है। हम सर्विस करवाए इतने बार, लेकिन इतना बार हम इसका समय मतलब कि इस चीज़ को मतलब सोल्यूशन खोजने के लिए हम बोले वो लोग से, नहीं हुआ उन लोग से। मेरा हैंडल जब जब बाइक चलाते हैं जब जब, तो इसमें कटाक कटाक करके आवाज़ आता है, जैसे लगता है कुछ लड़ रहा है, खट खट करेगा, मतलब
टाइट कर देता है लोग बहुत ज़्यादा, तो हार्ड हो जाता है लेकिन वो आवाज़ नहीं जाता है, और ढीला करता है तो वो आवाज़ और बढ़ जाता है। तो समझ में नहीं आता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं हम इस चीज़ से, कितना बार हम सर्विस सेंटर में जा चुके हैं इस चीज़ को लेकर। और जो बोलते हैं इसका जो क्या बोलते हैं ये जो गियर वाला प्रॉब्लम आया है जो खटक खटक कर रहा है, तो हम सर्विस सेंटर में गए थे तो बोले उन लोगों से कि भाई मेरा बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो बोल रहा है कि आपका क्लच प्लेट जल चुका है। तो आप लोगों को अभी एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, हम फर्स्ट गियर में 48 जा रहा है ठीक, और पिकअप भी बस थोड़ा बहुत डिले है, लेकिन पिकअप भी ठीक है मान के चलो, बस थोड़ा लेट उठाता है, लेकिन पिकअप 48 जाता है टॉप एंड फर्स्ट गियर में। तो आपको अभी टेस्ट दिखा देते हैं करके, और आप लोग बताइएगा कि मेरा क्लच प्लेट जला है या नहीं जला है। तो चलिए हम लोग बाइक पे मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला चीज़ हम आपको ये दिखाएंगे कि इसका इनिशियल कैसा है, कि फर्स्ट गियर में अगर क्लच प्लेट मेरा जला रहता या फिर रिप्लेस करना होता तो ये 48 नहीं जाता। और जो जो R15 रखे हैं या फिर YouTube पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं, फर्स्ट गियर में 48 ही जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गियर शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर दिए और आपको भगा के दिखा देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा स्पीड कितना मतलब जा रहा है। अब देखिएगा एक चीज और देखने को मिलेगा आपको, आवाज सुनिएगा। आप लोगों को पता चल रहा होगा खटाक खटाक आवाज़ मार रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब विंड ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है। अभी एक बार इसको अच्छे से चेक करवाएंगे आपको आवाज़, थोड़ा हवा कम होने दीजिए उसके बाद। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये बाइक में मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जिन भाई ने नहीं देखा है जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, 145 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके वजह से मेरा क्या हुआ कि ये बोलता था लोग कि इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तो इसका अलाइनमेंट करवा लिए सॉफर का। अलाइनमेंट करवाने के बाद क्या बोल रहा है लोग कि आपका टी टेढ़ा है, टी बदलवा मतलब टी को वो लोग रिप्लेस नहीं किया, बोला क्या हो जाएगा काम, तो करवा लिए वो लोग सब सही से बना दिया। लेकिन मेरे साथ अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे कि मेरा बाइक है, हम 70-80 अगर की स्पीड में चलते हैं, अगर मन किया मेरा थोड़ा बहुत ऐसे कट मार के आदमी निकलता नहीं है कि हाँ थोड़ा सा कट मार के लेफ्ट से निकल जाए, या फिर राइट से अगर सामने से एक ट्रक आ रहा है और एक इधर से ट्रक जा रहा है लेफ्ट से, तो सोचता है आदमी कि चलिए इससे आगे पहले निकल जाते हैं कट मार के। तो आप सोचिएगा कि निकल जाए तो निकल नहीं सकते, बबल करता है, ऐसे करेंगे ना तो लगा ऐसे फेंक देगा वापस। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन होता है इस चीज़ का। यामाहा का गाड़ी खरीदने से पहले आप लोग सोच लीजिएगा कि सर्विस सेंटर आपको सही प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब कि आपको सर्विसिंग, क्योंकि हम मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों का भी शिकायत सुने कि यामाहा का सर्विस में कोई कॉपरेट नहीं करता है। बाइक बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सर्विस अगर आप बढ़िया, अगर मिस्त्री है आपके पास बढ़िया, अगर मैकेनिक है आसपास में जो सब कुछ जानता है इसके बारे में, तो उससे करवाइए ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से तो सर्विस सेंटर एकदम बेकार है, चार सर्विस फ्री है, चार सर्विस करवाइए। वो लोग बस इतना ही जानता है कि इंजन ऑयल चेंज करना है और ब्रेक मिला देगा और डिस्क पैड चेंज कर देगा, इससे ज़्यादा वो लोग को कुछ पता नहीं है। इससे ज़्यादा और जो टायर है उसका मतलब ग्रीसिंग करेगा और एक्सेल खोलेगा एक्सेल लगाएगा, बस इतना ही उन लोगों का काम है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। पैसा बनाएगा 3,000-2,500, खर्चा तो धुआंधार होता है, लेकिन मतलब आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि हाँ मेरा बाइक सही है। तो मतलब कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो लोग आपको ऐसे ऐसे बोलेगा। देखिए क्या बोलते हैं, मेरे साथ क्या होता था, हम जाते हैं सर्विस सेंटर में तो बोलता था ये आपका मन का भ्रम है, आपको शक हो चुका है कि आपके बाइक में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मुँह से गाली निकल रहा है, देखिए मेरा शॉकर था लीक हो गया था, शॉकर की वजह से मेरा कितना परेशान हो रहा था हम। तो इसमें 2,200 रुपये का तेल आता है शॉकर का, ओरिजिनल इसका जो तेल आता है पता ना क्या नाम है उसका, नाम भी हमको याद नहीं है, 2,200 रुपये का आता है ठीक है। वो तेल डलवाए थे इसमें और इसमें भी, तो मेरा ऐसा बनाया था लोग कि ऑयल सील फिर से निकल गया, मेरा 2,200 का तेल बर्बाद अपना तरफ से गया, मेरा टोटल पैसा अपना तरफ से गया। सोच लीजिए वो लोग को बनाने नहीं गए, उन लोग को चलते मेरा कितना नुकसान हुआ। भाई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सर्विस सेंटर अगर नहीं देखेगा तो कौन देखेगा बताइए। बाहर में लोग काम इसलिए नहीं करवाते कि अगर पार्ट्स खोल दिया और उन लोगों को फिर पार्ट्स अवेलेबल नहीं हुआ या फिर जानकारी नहीं है अगर बाइक के बारे में, तो हम लोग का बाइक में बहुत ज़्यादा नुकसान आ सकता है, ऐसा होता है। लेकिन वो लोग समझता नहीं है, सीधा सीधी बात है हम आपको बता दे रहे हैं। अगर R15 आप लोग लेना चाहते हैं 2024-2025 में, तो बढ़िया सर्विस सेंटर खोज लीजिएगा या फिर बढ़िया मैकेनिक ढूंढ लीजिएगा जो इस बाइक का अच्छा से जानकारी रखा हो। बाकी इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, कभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। आज बहुत ही कम टाइम था तो सोचे कि वीडियो बना लेते हैं, इस चीज़ पर आए थे कुछ काम से। तो चलिए एक बार और हम कुछ सुना देते हैं गियर में क्या प्रॉब्लम आया है मेरा ठीक है। पहले तो खटाक से आवाज़ करेगा और डाउन करने पे खटाक खटाक दो बार आवाज़ करेगा, देखिएगा। और गियर पे ध्यान रखिएगा, इस पे गियर इंडिकेशन पे खट खट मतलब एक बार शिफ्ट करेंगे या फिर डाउन शिफ्ट करेंगे तो कि मेरा गियर कितने नंबर में है ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बेटर। मैं
मेरा बाइक दो नंबर में है, मेरा बाइक दो नंबर में, अभी गियर देखिएगा डाउन करेंगे, एक नंबर में होगा तो आवाज़ सुनिएगा, दो नंबर में करेंगे तो आवाज़ सुनिएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसके मतलब इसका जो फर्स्ट क्लिप जो डाले थे हम सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में, वो क्लिप हम फिर से ऐड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। बाकी हवा बहुत तेज़ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यही था आज का हमारा वीडियो। तो इस चीज़ से अगर आपको मतलब कि इस चीज़ के बारे में जानकारी हो अगर आपको कि कैसे इसे रिसॉल्व पाया जाए, कैसे ये ठीक होगा प्रॉब्लम, तो प्लीज़ गाइस हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। तो मिलते हैं किसी और अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टिल देन, बाय बाय, जय सियाराम।